प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज सुबह साथियों पास्टर प्रचारक को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम में इस नाइट के प्रार्थना के सभा में। और विश्वास के साथ बैठिए, प्रभु ने आज जो आपके लिए वचन और प्रार्थना रखा है वो आपके जीवन में आज मिलने जा रहा है। आमीन। हम विश्वास करें, हमारे लिए सब कुछ पूरा होगा। बिना विश्वास हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। विश्वास है तो सब कुछ है। वचन देखेंगे, इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। यूहन्ना पहले अध्याय के उसके 12 वचन, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। क्या कहता है वचन? जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। अब हम किसके संतान है? यीशु मसीह के, परमेश्वर के। हालेलुया। कैसे? हमने उसे ग्रहण किया, अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार किया, पापों से गुनाहों से फिरकर हम यीशु के पास आए, अब हम उसके संतान बन चुके हैं। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। किसके नाम पर विश्वास रखते हैं? यीशु मसीह के नाम विश्वास रखते हैं कि उसने मेरे खातिर मारा गया, गड़ा गया और मेरे खातिर मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। बोलो हालेलुया। जब हम अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं तो हम ना तो शरीर की इच्छा से चलते हैं, ना मनुष्यों की इच्छा से चलते हैं, बल्कि हम परमेश्वर की इच्छा पे हम चलने वाले बन जाएं। लेकिन बहुत से लोगों के जीवन में गड़बड़ी शैतान ने डाल दिया है। प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद भी उनका जीवन आज पापों में डूबा हुआ है। तो मैं कह रहा हूं, हे मनुष्य, अब तेरे लिए कोई बलिदान नहीं बाकी रह गया, क्योंकि हमारे खातिर बेगुनाह मेमना, बेगुनाह लहू वो कलवरी क्रूस पर बहाया गया। सच्चाई को जान और उसके पीछे चल, क्योंकि वही है जो उद्धार करेगा तेरा और स्वर्गीय स्थानों में स्थान देगा, क्योंकि आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दे गया जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सके। हालेलुया। यीशु मसीह हमें अंत जीवन देगा और हमें स्वर्गीय स्थानों पर बैठाएगा। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। अपने हाथों को उठाए और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करें। वो राजाओं का राजा है, वह प्रभुओं का प्रभु है, वह हमारा उद्धार करता है, वह हमारा चट्टान है, वो हमें ऊंचे स्थानों पर बैठाने वाला परमेश्वर है। ऊंचे ऊंचे स्थानों पर बैठाएगा, शत्रुओं के सामने तुम्हारे सिर को ऊंचा करेगा, शत्रु की सारी चालें नाश होगी, शत्रु की सारी चालें तहस नहस हो जाएगी, तुम्हें जय मिलेगा, तुम्हें जय मिलेगा। हमारा जय देने वाला परमेश्वर है, हमारे संग संग है। यस यस। ओ बेगुनाह मेमना हमारे लिए बहाया गया, हमारे खातिर ओ क्रूस पर बलिदान हो गया, ताकि उसके बलिदान होने से हम बचाए जाएं, हम अंत जीवन प्रवेश करने पाए। उस लहू को हम धन्यवाद दे, उस पिता का हम धन्यवाद दे जिसने अपने कुत्ता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अंत जीवन प्रवेश करे। पिता हम धन्यवाद करते हैं आज की रात्रि कालीन के लिए। पिता आपने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, नया सुबह दिया, और जीतों के बीच में आपने जीवित रखा, भला चंगा रखा पिता। और पिता एक ये समय दिया अपनी उपस्थिति में बैठने के लिए, हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस प्रार्थना को देख रहे सुन रहे पिता, हम आपके नाम से ब्लेस करते हैं, सारे बंधन टूटने पाए, सारे मार्ग खुलने पाए, हर एक परेशानी चिंताएं निराशाएं सबसे ये आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए। पिता हम आपके नाम से इन्हें आशीष की घोषणा करते हैं, सारी परेशानी चिंताएं इनके जीवन से बाहर निकलने पाए, इनके बंधन टूटने पाए, इनके मार्ग खुलने पाए। जो पिता समस्या इनके जीवन में कार्य कर रही है उन सारे समस्याओं से, सारी परेशानियों से, सारी चिंताओं से ये आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए। पिता
जीवन के मार्ग खुलने पाए, बंधन टूटने पाए और हर एक परेशानी चिंताएं इनके जीवन से बाहर निकलने पाए। आपकी आशीष से इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए, स्वर्गीय ब्लेसिंग, स्वर्गीय आशीष से इनके जीवन में उतरने पाए। पिता, हम आपके नाम से इन्हें आशीष की घोषणा करते हैं। सारे बंधन टूट जाए, सारे मार्ग खुल जाए, हर प्रकार के चिंताएं, परेशानी, निराशाएं इनके जीवन से दूर होने पाए। पिता, जो मार्ग बंद है वो मार्ग आपके नाम से खुलने पाए। ओ मामा रामा सीकर रिक्तम जायम। अपना बोझ, अपनी चिंता अपने जीवित हाथों के परमेश्वर के हाथों में दे दे मेरे पियो। ओ तुम्हारी चिंता करता है, तुम्हारी केयर करता है। ओ रेस से खेरे वे, तुम्हें कब क्या चाहिए ओ सब जानता है। सही समय आने पर वो आपको अपनी आंसुओं से भरपूर करेगा। पिता, हम आपके नाम से इन्हें आशीष करते हैं। पिता, हम आपके नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं। सारी परेशानी, सारी चिंताएं, सारी निराशाएं आपके नाम से जाती रहे। हम आपके नाम से इन्हें आशीष की घोषणा करते हैं। जो इनके मार्ग बंद है पिता, वो मार्ग खुलने पाए। जीवन में जो रास्ते बंद है, रास्ते ओपन हो जाए। आगे बढ़ने में जो रुकावटें बाधाएं आ रही है, सारे बंधन टूटने पाए, सारे मार्ग खुलने पाए, हर एक परेशानी, चिंताएं, निराशाएं इनके जीवन से बाहर निकलने पाए। हम आपके नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं पिता। अपनी आंसुओं से भरपूर करे प्रभु जी, और अपनी महिमा के लिए आप इन्हें बहुतायत से उपयोग करे। पिता, जो भी बंधन इनके जीवन में है वो सारे बंधन टूटने पाए, हर एक ब्लैक मैजिक के बंधन से आजाद होने पाए। दुष्शक्ति आत्माएं, बुरी आत्माएं बाहर निकलने पाए। जादू टोने, अंधकार शक्ति आत्माएं सब इनके जीवन से इसी समय बाहर निकलने पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं छुटकारे की घोषणा करता हूं। सारी परेशानी, सारी चिंताएं, सारी निराशाएं आपके नाम से जाती रहे। पिता, हम आपके नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक मार्ग खुल जाए, सारी चिंताएं, परेशानी, निराशाएं इनके जीवन से बाहर निकल ले पाए। हम आपके नाम से इन्हें आशीष की घोषणा करते हैं। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक मार्ग खुल जाए, चिंताएं, परेशानी, समस्याएं सबसे आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाले हो जाए। पिता, हम आपके नाम से इन्हें आशीष करते हैं। पिता, अपनी आंसुओं से आप इन्हें भरपूर करें, और अपनी महिमा के लिए आप इन्हें बहुतायत से उपयोग करें। पिता, अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर इन्हें अपनी आंसुओं से भर दीजिए। घर में जो भी प्रकार की समस्याएं कार्य करिए, वो सब समस्याएं वहां से बाहर निकलने पाए। ओ री मेरे से खेरे वे, बिगड़े हालात बदल जाए, बिगड़ी परिस्थितियां बदल जाए। मेरे पियो, हमारा परमेश्वर ऐसा है जो खुरो से उठाकर, जो नीचे से उठाकर, ओ रे से खेरे वे ऊंचे पदों बैठाएगा। मैं देख रहा हूँ बहुत से भाई बहन लोग मन में सोच रहे हैं, मैं 10वीं पास हूँ, 12वीं पास हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ अपने जीवन में। ये जीवन है, बहुमूल्य है, यीशु ने हमें नया जीवन दिया है। और तू आशीषों को पाएगा, आंसुओं को पाएगा। दुनिया के लोग तो धिक्कार दिए हो, दुनिया के लोग तुझसे मुंह को मोड़ लिए हो, दुनिया के लोग तुझे बुरा भला कर रहे हो, तेरे विरुद्ध में प्रतंत्र रच रहे हो, शत्रु की सारी चालें नाश हो जाएगी, दुनिया के मुंह बंद हो जाएगा। यीशु तेरे लिए कार्य करने जा रहा है, तुझे नीचे से उठाकर, शून्यता से उठाकर, शून्य से लेकर परमेश्वर तुझे ऊंचे ऊपर उठाने जा रहा है, ऊंचे स्थानों पर बैठाने जा रहा है। जो तुझे आज हंस रहे हैं, कल वो तुझ तेरे पास आएंगे। यस यस यस, लोग तुझे बुरा भला पहले कहते हो, लेकिन आज तेरे पास आएंगे। मैं कह रहा हूं, विश्वास कर, परमेश्वर तुझे ऊंचे स्थानों पर बैठा चुका है, ऊंचे पदों पर बैठा चुका है,
ओ महिमा हो राजा यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो। हम आपके नाम से ब्लेस करते हैं पिता, सारी परेशानी, सारी चिंताएं, सारी निराशाएं आपके नाम से जाती रहे पिता। आप इन्हें ऊंचे पदों बैठा दिए, इनके मस्तिष्क को आपने ऊंचा कर दिया, शत्रुओं के बीच में आपने इनके सिर को ऊंचा किया, और रेस से खेले हुए आपसे लड़ने आएंगे, लेकिन घुटनों के बल रेंगते हुए जाएंगे, क्योंकि आपके तरफ से लड़ने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ है। ओ हालेलुया पिता, आपने को ब्लेस किया, धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते पिता, जो इस समय पिता परमेश्वर अंधकार की आत्माओं में, नशे की आत्माओं में, बुरी आत्माओं में घिरा हुआ है, हर एक अंधकार की आत्माएं नशे की आत्माओं से आजादी मिलने पाए, अपना हृदय मन को फिराए, ओ हर एक पापों से मन फिरा ले, हर एक पापों से मन फिरा ले। पापों से मन नहीं फिराया, दारू बिड़े सिगरेट के से गुटखा से प्यार किया, तो कह रहा हूं तेरे लिए नरक ही रखा है, तेरे लिए नरक ही रखा है। दारू बिड़े सिगरेट गुटखा से मन को फिरा, उससे मन को फिरा ले, दोबारा वो अपने मुंह में ना जाने पाए, तेरे मुंह में हर एक अंधकार की आत्माओं से आजाद होने पाए, नशे की आत्माओं से छुटकारा पा। तू कह रहा है इसके बगैर तो मैं रह नहीं सकता हूं। गुटखा जो खाता है उससे बकरी और उसे जानवर के समान है, जो अपने मुंह को चबाते रहता है हर दम हर समय, उस जानवर के समान है जो अपने मुंह को चलाते रहते हैं खाना खाने के लिए। गुटखा से छुटकारा पा, तू बोल रहा है केवल एक किए तो समान ही तो है, कौन सा मैं पाप कर रहा हूं इस किसे खाकर। मैं कह रहा हूं तू पाप कर रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध में अशुद्ध करने वाली बातें हैं। गुटखा से, बीड़ी से, सिगरेट से मन को फिरा ले, खाने की तो दूर बात है, परमेश्वर का वचन कहता है ठट्ठों के बीच में रहेगा, ठट्ठा करने वाले के मंडली में रहेगा तो उसके संगति में सम्मिलित है। अपने दोस्त के साथ जा रहा है, तू बोल रहा है मैं तो खा पी नहीं रहा हूं, केवल ठेले के पास मैं खड़ा हूं, तो मैं कह रहा हूं तू उसके साथ दे रहा है, यानी कि उसके पाप में तू भी पाप में सम्मिलित है। वो जहां खा रहे पी रहे वहां से आगे बैठ, आगे खड़ा हो, उसके आने का इंतजार कर, खाने के दूर बात है, उसके संगति में अगर शामिल हुआ है तो तू उसके पाप के भागीदारी है। इसलिए मन को फिरा ले, मन को फिरा ले, समय दिया है प्रभु ने तेरे मन को फिराने के लिए। हर एक नशेली वस्तुओं से छुटकारा पा, उद्धार करता प्रभु यीशु को स्वीकार कर, पापों से गुनाहों से फिर और उसके पास आ, वो तुझे छुटकारा देगा। पिता हम धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, आपने हमारे जीवन में पिता एक नया दिन दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। इन सारे भाई बहनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक का हृदय मन फिरने पाए पिता, हर एक व्यक्ति आपको अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए, हर एक घुटना आपके सामने टिकने पाए, हर एक जीवन की कार करने पाए और ये पापों से गुनाहों से फिर कर आपके पास आने वाले हो जाए पिता। हर एक नशीली वस्तुओं से हम छुटकारे की घोषणा करते हैं, जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधन से ये आजाद हो जाए पिता, अंधकार की आत्माओं से, नशे की आत्माओं से निकल कर आपके राज में प्रवेश करने वाली हो जाए, आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता, आपकी आशीष से इनके जीवन में स्वर्ग से उतरने पाए। जो अंधकार की आत्माओं में फंसे हैं उन सबों से आपने आजाद किया, हम धन्यवाद करते हैं। इनके हृदय इनके मन के ऊपर आपका कब्जा होने पाए। जिनके पास जॉब नहीं है हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, मांगने से अधिक योग्यता से बढ़कर आप इन्हें जॉब की ब्लेसिंग दे दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हम आपके नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं पिता, अपनी आंसुओं से आप इन्हें भरपूर करें पिता परमेश्वर, और प्रभु जी योग्यता से बढ़कर आप इन्हें जॉब की ब्लेसिंग ऊंचे पदों पर ऊंचे स्थानों पर बैठाने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। हम आपके नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं, सारी परेशानी चिंताएं इनके जीवन से बाहर निकलने पाए पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा प्रकट हो जाए। जिस घर में ये प्रार्थना चल रही है उन घरों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं पिता, वो घर आंसुओं से भर जाए, उस घर में स्वर्गीय ब्लेसिंग उतरने पाए पिता परमेश्वर। ओ रीमा रामा सीका राबा हूला राबा रीका राबा रेतम जयम, ये प्रार्थना जिस घर में चले पिता उस घर को मैं आशीष करता हूँ पिता परमेश्वर, वहां
सुख शांति और मेल मिलाप की आत्मा आने पाए, बिगड़े रिश्ते बनने पाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ने पाए, सारे मनमुटाव दूर हो जाए और आपकी शांति आशीष इनके जीवन में उतरने पाए। हम आपके नाम से इन्हें आशीष की घोषणा करते हैं। सारे बंधन टूट जाए, सारे मार्ग खुल जाए, हर प्रकार की मारी परेशानी चिंताएं इनके जीवन से बाहर निकलने पाए, आपकी आशीष है इनके जीवन में उतरने पाए। पिता, हम आपके नाम से इन्हें आशीष की घोषणा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो बीमार पड़े हैं, बीमारियों सतास और ना चुके हैं, दवाई खा के थक चुके हैं, डरों को दिखा के थक चुके हैं, ये थके मांदे आए पिता, लेकिन विश्वास के साथ आए खुदावन, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंसुओं से आप इन्हें भरपूर करें पिता, हर प्रकार की बीमारी की बंधन इनके जीवन से टूटने पाए, बीमारियां इनके शरीर से बाहर निकलने पाए, रसोली पथरी गिल्टियां गांठे सब बाहर जाए, बीपी शुगर नव होने पाए। ओ पिता, जो पिता वाइन इन्फेक्शन सब बाहर निकलने पाए, आग की समस्याएं पेट की बीमारियां बाहर जाए, जो गांठे हैं वो गांठे बाहर निकलने पाए, मोतियाबिंद गायब हो जाए, सीने का दर्द गायब हो जाए, गले की इंफेक्शन गायब हो जाए, हर एक एलर्जी बीपी शुगर नमो होने पाए पिता, कोलेस्ट्रॉल कम होने पाए, थायराइड की बीमारियां बाहर जाए, झटके वाली बीमारियां बाहर जाए, मिर्गी चक्कर में बाहर निकलने पाए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट नाउ ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए आपके नाम से, हर प्रकार की बीमारियां इनके शरीर से बाहर निकलने पाए। मेरे प्रियो, आप दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं चंगाई आपकी है और यीशु के नाम में तुम शिफा पाने जा रहे हो, तुम चंगाई पाने जा रहे हो पिता। हर एक बीमारियां बाहर जाए, हड्डियों कदर नसों कदर बाहर निकलने पाए, टखनों कदर बाहर निकलने पाए, जो सालों से दर्द इनको कब्जे में करके रखा है वो दर्द से ये आजाद होने पाए, बीमारियां बाहर निकलने पाए, कमजोरियां बाहर जाए, हड्डियों कदर नसों का बाहर जाए, कमजोरियां वीकनेस बाहर जाए और आपकी सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए आपके नाम से, और आपके नाम से ये भले चंगे हो जाए पिता। अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर इन्हें शिफा और चंगाई प्रदान कीजिए और अपनी महिमा के लिए आप इन्हें बहुत आयस उपयोग करें। हम आपके नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं पिता, हर एक को अपनी आंसू से भरपूर करें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए। आपने सीखा, आपने चंगाई दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, रीमा रा सिखा रावा जो पिता परमेश्वर ओ पिता ओ हॉस्पिटल एडमिट है पिता, वहां से आजाद हो, घर को आने पाए और आपकी महिमा करने वाले, दवाई खाते ये चंगे हो जाए, हर एक बीमारी बाहर निकलने पाए, जो छोटे बच्चे बोल नहीं पाए चल नहीं पा रहे वो बोलने पाए चलने पाए और आपकी महिमा करने वाले हो जाए, हर एक बीमारी इनके शरीर से बाहर जाए। जिनकी मेहनती कमाई जीवन पूंजी पिता कहीं लगाए, कहीं पैसा इन्वेस्ट किसी को दिए है लेकिन नहीं मिल पाया पिता अभी तक, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इनकी मेहनती कमाई मिलने पाए, रमार खुलने पाए, बंधन टूटने पाए पिता, और आपकी आशीष इनके जो मैं स्वर्ग से उतरने पाए। हम आपके नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं, सारे बंधन टूट जाए, सारे मार्ग खुल जाए, हर एक परेशानी चिंताएं निराशाएं इनके जीवन से बाहर निकलने पाए। हम आपके नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं पिता, इनकी सारी परेशानी चिंताएं दूर हो जाए पिता, इनके मार्ग खुलने पाए, इनके बंधन टूटने पाए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट नाउ ये आंसू से भर जाए पिता। हम आपके नाम से इन्हें आशीष की घोषणा करते हैं, इनकी मेहनती कमाई जहां फंसा है पिता मिलने पाए, ऊंचे पदों पर जो बैठे उनका हृदय मन फिरने पाए और इनकी मेहनती कमाई देने वाली हो जाए, आपने ऐसा ही किया, धन्यवाद करते हैं। जो पिता कर्ज में है वो सारे कर्ज के बंधन से आजाद हो जाए, सारे कर्ज की जाले फटने पाए और यीशु के नाम में हर एक कर्ज के बंधन से आजाद हो जाए पिता। ये प्रार्थना जिस घर में चलिए उस घर को आपके हाथों में सौंपता हूँ, वो घर आंसुओं से भर जाए, बंधन टूटे मार खुले और उस घर को मैं ब्लेस करता हूँ, अपनी आशीष से उस घर में प्रकट करें और इनके सारे कामों को सफल करें पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो पिता कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाल रहे हैं, इनकी सारी समस्याएं बाहर जाए, परेशानियां बाहर जाए, चिंताएं बाहर जाए, निराशाएं बाहर जाए और आपके नाम से हर एक बंधनों से आजाद हो जाए और आपकी महिमा प्रकट हो जाए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में सारी चिंता परेशानी से आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए, ऐसे आशीष आपने दे दिया, धन्यवाद करते हैं। जो बाहर एक काम करते जॉब करते हैं
बिजनेस करते, पढ़ाई करते, जहां भी है पंखों की आड़ में छुपाए रखिए, सारी परेशानी चिंताएं दूर हो जाए। जो जॉब करे उनको जॉब में ब्लेस करे, उनके सैलरी बढ़ोतरी करे पिता। जो पिता परमेश्वर मेरे सिखे रहे बिजनेस कर, उनका बिजनेस फलवंत होने पाए पिता। जो पढ़ाई करे उसको पढ़ने लिखे में सहायता करे और पिता, और अच्छे नंबरों से पास होने पाए पिता। इनके घर परिवार को आपके हाथों में सौंपते, हर एक को आशीष से भरपूर करे, बीजा से ब्लेस करे, सारे रुकावट बधाई इनके जीवन से दूर हो जाए। जितने लोग अपने हाथों को आग बढ़ाकर बीज को बोया है, भेंट दान दसवां डाले हैं, इन सबों को मैं आशीष करता हूँ। अपनी आंसू से भरपूर करें और अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। सैलरी बिजनेस शॉप को मैं आशीष करता हूँ। इनके लिए काज हो, खोल करें, अप्रम आशीष की वर्षा आप इनके जन्म में कर दिया पिता। धन्यवाद करते हैं। रात में सुनाए नींद, सुबह उठकर आपकी महिमा करने में सहायता और मदद करें। प्रार्थना सुना, धन्यवाद ये शुक्र पिताजी, आशीष मांगते हैं, शुद्ध आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बोल यीशु मसीह के जय, हालेलुया। हम विश्वास करें स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए अरिशाई क्रम प्रकट कर रहा है, तुम्हारे मार्गों को खोल रहा है, तुम्हारे बंधन को तोड़ रहा है और तुम आशीषों को पा रहे हो। हम विश्वास करने वाले हो स्वर्ग का परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भरने के लिए तैयार है। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सके। जितने लोग बीज को बोना चाहते, दिए गए शक्ति और प्रभु अगुवाई में आप इसे बीज बो सकते हैं। क्रिसमस के लिए भी तैयारी रहिए, और जो भेजने वाला भेज सकते हैं अभी भेज सकते हैं, कार्यक्रम चालू हो चुका है। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।